and a magnificent strike into the ground. India lift the World Cup after 28 years. नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड में। एंड आई एम नितिन ऋषि, योर लाइफ स्किल्स कोच एंड वेलनेस कोच। दोस्तों, आज जो है हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक में थोड़ा हटके, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी फिलोसॉफिकल टॉपिक की और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स की बात की है। जस्ट फॉर अ चेंज मैं जो है आज बात करने जा रहा हूँ कुछ मैनेजमेंट स्किल्स की। एंड दिस टॉपिक ये जो हैक सीरीज़ है विच इज़ हैक सीरीज़ नंबर 12, आज हम सीखने जाएंगे कि MS धोनी, जिनको कि हम लोग फेमस तरीके से मिस्टर कूल के नाम से जानते हैं, कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं कि उनकी लाइफ से हम लोग क्या मैनेजमेंट लेसन्स ले सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम MS धोनी। दोस्तों, हम सबको मालूम है MS धोनी न सिर्फ एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत ही अच्छे सफल कप्तान, इंडिया के सफलतम कप्तानों में उनका नाम गिना जाता है, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वो एक बहुत ही संजीदा इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है, राइट। सो आज हम ये देखेंगे कि उनका ऑफ द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड जो भी बिहेवियर है और जो उनके डिसीजंस हैं या जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनसे हम क्या मैनेजमेंट लेसन्स ले सकते हैं। तो ये हमारी जो एपिसोड है, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड की है मैंने, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2, या पार्ट 1 या पार्ट 2। तो आज हम लोग पार्ट 1 में हैं। सबसे पहले जो क्वालिटी है जो MS धोनी से हमें सीखने को मिलती है, वो है डोंट थिंक टू मच अबाउट फ्यूचर। ये चीज़ जो है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज nowadays द कॉम्पिटिशन हैज़ ग्रोन सो मच, हम लोग काफ़ी उसके प्रेशर में रहते हैं। काफ़ी लोग जो है वो वर्तमान पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं, एंड वर्तमान पे कॉन्सनट्रेट नहीं करने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि कई बार डिसीजंस गलत हो जाते हैं। डिसीजंस गलत हो जाते हैं तो फर्दर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। यदि आप MS धोनी की अपनी पूरी जर्नी देखें, मतलब पर्सनल लाइफ से लेकर, तो यदि आप उनका क्रिकेटिंग करियर भी देखें, उन्होंने कभी भी भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, राइट। ही इज़ अ फर्म बिलीवर कि यदि आप अपने आज पर कॉन्सनट्रेट करें या यदि अपने आज को सुधारने में अपना एफर्ट लगाएं, अपना कॉन्सनट्रेशन लगाएं, एंड भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, राइट। सो टेक अ थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ को एक बार में लें, उस पर कॉन्सनट्रेट करें, एंड डेफिनेटली दैट विल गारंटी दैट योर फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड, राइट। बहुत सारे ऐसे क्रूशल मौके आए जब क्रंच सिचुएशन थी, बहुत प्रेशर था, कई बार जो है बॉलर की धुलाई हो रही है, कई बार बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं, राइट। बट उनका यही था कि वो सिचुएशन के हिसाब से, जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते थे। इसका एक मतलब ये हुआ कि वो कभी भी प्री कंसीव नोशन या कोई प्री डिसीजन से कभी भी वो अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते थे कि एक बार आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है एंड यदि आप कुछ एक डिफरेंट सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वो कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं करते थे कि अब हमें उसी सिचुएशन को स्टिक करना है। वो तुरंत अपना डिसीजन वहां पर चेंज कर सकते थे, राइट। सो दैट वाज अ वंडरफुल क्वालिटी विच वी कैन लर्न एज अ मैनेजमेंट स्किल फ्रॉम धोनी, बिकॉज हमारी लाइफ में भी और कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत बारी सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पर ऑफकोर्स इफ वी टेक द व्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए आपको जो है शॉर्ट टर्म गोल्स पे या प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी भी इंसान के लिए हमारी पर्सनल लाइफ में या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो है बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी इंसान की, और ये आपको हमेशा आपकी कमजोरियों से अवगत कराएगी, आपको अपनी लिमिटेशंस हमेशा पता रहेगी, एंड यदि आप सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे भी तो ये जो क्वालिटी है आपको कभी भी अपनी जड़ों से दूर नहीं करेगी, राइट। ये एक बहुत ही ग्रेट क्वालिटी होती है किसी भी इंसान के लिए। तो हम देखेंगे कि जब वो
जब वो स्कूल टीम में थे, क्रिकेट खेलते थे, तब उन्होंने उस चीज़ को जिया। कैप्टन बनने के बाद में भी और बहुत सारी सफलताओं को हासिल करने के बाद में भी, दिस इज़ वॉट एम एस धोनी सेज दैट स्टिल यू नो आई एम अवेयर ऑफ माई वीकनेसेस, मुझे पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, एंड वेन एवर आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू नो आई एम अवेयर ऑफ दैट यू नो हु आई एम एंड मुझे अपना यू नो धरा पता है, मुझे अपना बेस पता है। सो मैंने ज़िंदगी में हमेशा उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है, राइट। तो ये जो है क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम एस धोनी की। थर्ड इज़ दैट प्रोसेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है, कई बार यू नो एम एस धोनी ने इंटरव्यू में इस बात को एडमिट किया है कि ऑल दो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं यू नो उनके भी और हमारी यू नो इंडियन टीम के भी, लेकिन यदि आप इसके एक स्टेप यू नो पीछे जाकर देखें सो आप पाएंगे कि उन्होंने कभी भी प्रोसेस को कभी भी वॉयलेट नहीं किया है, राइट। और हमेशा यू नो वेरी सिंसियर यू नो ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिसेस। ऑफ कोर्स आई मीन ही वाज अ फन लविंग पर्सन आल्सो व्हेन ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन टीम। अभी तो जो है हम उन्हें सिर्फ आईपीएल में देखते आ रहे हैं, लेकिन आप यहां पर भी देखेंगे उनके जो पर्सनालिटी का जो वो हिस्सा है या वो जो रूप है कि जहां पर वो काफ़ी फ्रीली बात करना पसंद करते हैं, ही इज़ टोटली अप्रोचेबल टू ईच एंड एवरी टीम मेंबर, कोई भी उनसे जाकर बात कर सकता है, टिप्स ले सकता है, राइट। उन्होंने विराट को काफ़ी हेल्प किया ड्यूरिंग हिज यू नो कैप्टेंसी। विराट ने कई जो है नाजुक मौक़ों पर या कई सेंसिबल मौक़ों पर जो है उनसे परामर्श लिया, और उन्होंने विदाउट यू नो कंसिडरिंग एनी ईगो, उन्होंने इस चीज़ को कभी ईगो पर नहीं लिया, एंड वाकई में बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट दिया। ऋषभ पंत को उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, एंड ऋषभ पंत में जो भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एक्चुअली वो आपको जो है रिफ्लेक्ट होगा उनके एक्ट्स में, एंड द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट ऋषभ पंत इज शोइंग, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका प्रोसेस सही होगा सो चांसेस वुड बी मोर, द प्रोबेबिलिटी वुड बी मोर, राइट, इट वुड नॉट बी अ फ्लूप। इसलिए हमेशा प्रोसेस को हमेशा प्रायर यू नो प्लेस पर रखना चाहिए हमें, राइट, रिजल्ट्स अपने आप ही आएगा। फोर्थ इज थिंक डिफरेंटली एंड गिव देम अ सरप्राइज। ये एक धोनी की बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, यूएसपी जिसको हम बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आप कह सकते हैं धोनी का है, कि वो जब परिस्थिति में जब एक आम इंसान या आम क्रिकेटर जिस तरीके से सोचता है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट सोचने में सक्षम है। तो आप देखेंगे कि जब जो ओपोनेंट टीम है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो है पेस अटैक होगा, राइट, लेकिन धोनी जो है सडनली फर्स्ट ओवर से आर अश्विन को लेकर आ जाएंगे, राइट। जब अपोजिशन सोचेगा कि अब शायद जो है यू नो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओपनिंग करने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सडनली शिखर धवन इज़ ऑन द ग्राउंड, राइट, या थर्ड नंबर पे कभी भी सुरेश रैना को भेज देना या खुद को प्रमोट करके आगे करना या हरभजन सिंह को मौका दे देना कई बार पिंच हिटर के रूप में। तो ये जो अलग अलग तरीके के यू नो जो डिसीजंस हैं, एंड सबसे बड़ी बात उनको अपने डिसीजन पर विश्वास रहता है, आई मीन ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट रिस्क कि हाँ ये डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने काफ़ी सिचुएशंस में छोटी छोटी साइकोलॉजिकल बातें हैं, जैसे गेम चल रहा है एंड मान लीजिए बैट्समैन अपनी बहुत लय में है, राइट, तो उस बीच में वो यू नो कई बार बॉलर को बुला लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे गेम से, मतलब तकरीबन 2-5 मिनट का। सो समहाउ साइकोलॉजिकली जो है जो बल्लेबाज जो लय में चल रहे होते हैं उनकी थोड़ी सी लय टूट सकती है, या पीछे से बॉलर को कुछ ऐसे यू नो सजेशंस देना उस भाषा में कि बैट्समैन बिकम्स कॉन्शियस, राइट। और ऐसे हमने कई सारे मौके देखे हैं कि जब उन्होंने कुछ सजेशन दिया बॉलर को एंड बैट्समैन अगली बॉल पे आउट हो गया। सो कहने का मतलब कि ये कुछ अलग चीज़ें हैं, राइट, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है, एक नॉर्मल क्रिकेटर जो है शायद नहीं सोच पाता। इसलिए हमारा जो अगला पॉइंट है हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अचीव एक्सेलेंस इन बींग स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड जो है मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ही इज़ अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर एज वेल एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो, क्योंकि यू नो उनके साथ में एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने क्रिकेट के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स में वो खेल कर आए हैं। तो हमने देखा उनकी एक जो मूवी थी, हम लोगों ने ये उसमें भी देखा कि स्कूल टीम के वो हिस्सा थे और स्कूल टीम में भी जो है किस तरीके से वो विकेट कीपर बने वो भी हम लोगों ने देखा है। सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ।
उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने गली क्रिकेट भी काफ़ी खेला है। गली क्रिकेट इन द सेंस कि जो टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो जो वहाँ पर उन्होंने जो बिकॉज आपको पता है गली क्रिकेट में ना दे आर हैविंग देयर ओन वर्जन समटाइम्स ऑफ क्रिकेट। वहाँ के कुछ रूल्स अलग होते हैं, वहाँ का क्राउड अलग होता है, कई बार आपको वहाँ पर बहुत स्ट्रीट स्मार्ट डिसीजन लेने होते हैं। तो स्ट्रीट स्मार्ट डिसीजन लेने का जो उन्हें फ़ायदा मिला दैट उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला तो ये जो एक्सपोजर था उनका, इन एक्सपोजर ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, राइट। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उनका यूनिक ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने वहीं पर ईजाद किया था, राइट। ये जो अलग तरीके से वो रनआउट करते हैं, राइट, जिसमें कि बैट्समैन को पता नहीं चलता और वो रनआउट हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रीट स्मार्ट यू नो कैप्टन की निशानी है, राइट। तो हमने देखा आज की किस तरीके से हम एमएस धोनी की लाइफ से, उनकी क्रिकेटिंग लाइफ से किस तरीके से यू नो वी कैन डेराइव मैनेजमेंट लेसन, राइट। सो दिस वाज एपिसोड 1। अगले एपिसोड में आपसे फिर यू नो मिलने आऊँगा, एपिसोड 2, मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम एमएस धोनी, राइट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंटली आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड, और प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको जो हमारे वीडियोज़ हैं वो कैसे लगते हैं, एंड वॉट इज़ योर सजेशंस रिगार्डिंग न्यू पॉइंट्स और यू नो न्यू टॉपिक्स, जिस पर कि हम लोग आपके लिए जो है नया और डिफरेंट टाइप का यू नो कॉन्टेंट लेकर आए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।